नमस्कार दोस्तों, आपका ड्रीम अप क्लासेस में स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम लोग सिविल मैकेनिकल फर्स्ट ईयर में हो चाहे सेकंड ईयर में, आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके पहले हमने जड़त्व आघूर्ण को समझा था, अब हम इसी क्रम में बढ़ते चल रहे हैं। आपको इस टॉपिक में अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट ज़रूर करेंगे। तो आइए हम जो आज का टॉपिक देखने वाले हैं वह है समांतर अक्ष प्रमेय, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। इसको हम कैसे समझेंगे अगर देखें तो हम क्या कर रहे हैं, किसी अक्ष के प्रति हम जड़त्व आघूर्ण निकालना इससे पहले जान गए थे। अब हम यहाँ पर एक पिंड देख रहे हैं। समांतर अक्ष का प्रमेय क्या होता है पहले हम इसके डेरिवेशन को समझेंगे। तो जैसे यहाँ पर ये क्या है, एक पिंड है, मान लेते हैं इस पिंड का क्षेत्रफल कितना है, ए है। माना संपूर्ण पिंड का क्षेत्रफल क्या है, ए है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस क्षेत्रफल का गुरुत्व केंद्र कहाँ पर है, यहाँ पर है। इससे जो गुजर रही अक्ष है उसको हमने जीजी से प्रदर्शित कर दिया, यानी गुरुत्व केंद्र से जो अक्ष गुजर रही है उसको हम जीजी से प्रदर्शित कर दिया। अब हम इससे आर दूरी पर, यानी इस गुरुत्व केंद्र से आर दूरी पर हमने एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया। अब इस क्षेत्रफल का हम क्या कर रहे हैं, जड़त्व आघूर्ण निकाल रहे हैं किस अक्ष के प्रति, इस जो एक्स एक्स अक्ष गुजर रही है इसके प्रति हम जड़त्व आघूर्ण निकाल रहे हैं, यानी क्षेत्रफल आघूर्ण को ही हम क्या बोलते हैं, जड़त्व आघूर्ण। हमने इसके वीडियो पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कितने प्रकार के आघूर्ण होते हैं, तो हर प्रकार के आघूर्णों को हम क्या बोलते हैं, जड़त्व आघूर्ण बोलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जड़त्व आघूर्ण निकालते हैं इस छोटे से क्षेत्रफल का इस एक्स अक्ष के प्रति, ठीक है। हम मान लेते हैं कि माना एक छोटा क्षेत्रफल क्या है, ए है। अब इसका एक्स एक्स अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण, ए क्षेत्र का क्षेत्रफल का एक्स एक्स के प्रति एक्स एक्स अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा, जड़त्व आघूर्ण। हमने बताए थे क्षेत्रफल गुणे उसकी बीच की दूरी का वर्ग होता है, तो आई एक्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिएगा क्षेत्रफल क्या है, ए है, ठीक। और इस यहाँ से इसके गुरुत्व केंद्र की दूरी क्या होती है, ए एच है, प्लस आर कर देंगे तो आ जाएगा, तो ए एच प्लस आर का हम क्या कर दें, होल स्क्वायर। ये होता है क्या होता है, यही होता है ना, आई बराबर ए आर स्क्वायर, यही होता है किसी भी एच पर पड़ता है। तो हमने यहाँ पर जो दूरी है इसके अच्छ से कितनी है, एच, और ये जोड़ देंगे तभी वहाँ तक आएगा, तो हमने इसको निकाल लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, ये तो इस छोटे से क्षेत्रफल का आघूर्ण है। अगर हमें संपूर्ण क्षेत्रफल का निकालना हो तो हम इसका समेशन कर दें, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, आई एक्स एक्स बराबर समेशन, तो लिख सकते हैं संपूर्ण क्षेत्र का एक्स अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण। संपूर्ण क्षेत्र का हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आई एक्स एक्स बराबर समेशन ए, ये क्या हो जाएगा, एच
प्लस आर स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब हम क्या करें, ब्रैकेट को ओपन कर दे रहे हैं, तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई एक्स एक्स बराबर समेशन ए, पहले हम इस फार्मूले, एक किस फार्मूले पर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, इस फार्मूले पर है, तो इसको हम इस पर पहले क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस टू एच आर, यह हो जाएगा ठीक। अब हम इसको सभी में इसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, आई एक्स एक्स बराबर समेशन ए एच स्क्वायर, ठीक है, प्लस समेशन ए आर स्क्वायर, यह हो जाएगा प्लस समेशन टू एच समेशन ए टू एच आर, यह हो जाएगा। अब इसमें देखिए तीन पद हैं, हम एक एक करके सबको लेते हैं। पहले हम लेते हैं सिग्मा ए एच, तो यहाँ पर ये सिग्मा ये हो जाएगा कैपिटल ए हो जाएगा, कैपिटल ए एच स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हम सिग्मा ए आर को लेते हैं स्क्वायर को, तो सिग्मा ए आर स्क्वायर, और यह क्या है, ए आर स्क्वायर क्या है, इस छोटे से क्षेत्रफल का इस अक्ष के परितः आई जी जी के परितः क्या है, जड़त्व आघूर्ण है, तो ये क्या हो गया, आई जी जी, ठीक है। फिर इसके बाद अब ये क्या है आपका, यहाँ पर सिग्मा सिग्मा ए टू एच आर, और ये क्या है, इसी अक्ष पर क्या होता है कि आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब जीरो हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो इसका मान हो जाएगा, क्योंकि आई जी जी जब आर अगर इसी केंद्र यानी आई जी जी से अक्ष से जब गुजर रही है तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम रख दें अब इन सब का मान, तो आई एक्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए एच स्क्वायर प्लस आई जी जी, यही हो जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं आई एक्स एक्स बराबर आई जी जी प्लस ए एच स्क्वायर, तो यही क्या होता है, समांतर अक्ष का प्रमेय। तो यहाँ पर दो अक्ष हैं, समांतर का मतलब क्या होता है, दो अक्ष होंगे तभी समांतर होंगे, तो पहला अक्ष क्या है, एक्स एक्स अक्ष है, और दूसरा अक्ष है जी जी अक्ष है, ठीक है, इतना समझ में आया। तो क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं कि इस पिंड का, ये जो पूरा पिंड है, इस पूरे पिंड का जड़त्व तो आघूर्ण इस अक्ष के परितः, एक्स एक्स अक्ष के परितः जड़त्व तो आघूर्ण, इसके केंद्र से होकर जाने वाली अक्ष के परितः जड़त्व तो आघूर्ण, तथा इस क्षेत्र, इस समस्त पिंड का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल वह इनके दोनों अक्षों के बीच के जो दूरी है वर्ग का गुणनफल के योग के बराबर है। तो समझ में आया, समांतर अक्ष का प्रमेय क्या होता है, इस नियम के अनुसार किसी क्षेत्र का, यानी कोई भी क्षेत्र है, किसी क्षेत्र का किसी अक्ष के परितः जड़त्व तो आघूर्ण इसी अक्ष के समांतर उस अक्ष के गुरुत्व केंद्र, उस क्षेत्र के गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण आई जी जी, तथा उस क्षेत्र एवं दोनों अक्षों के बीच की लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होती है। तो यही क्या है, समांतर अक्ष का प्रमेय। इसको रटेंगे तो याद नहीं हो पाएगा, आप भूल जाएंगे। इसको ऐसे समझ लीजिएगा कि समांतर अक्ष का प्रमेय क्या होगा, क्योंकि रटेंगे इतना बड़ा है कि इसको भूल जाएंगे। इस फार्मूले को आप याद रख लीजिए, आई एक्स एक्स बराबर आई जी जी प्लस ए एच स्क्वायर। तो इसको आइए हम लोग
लंब अक्ष का प्रमेय देखते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को समझते हैं। इसके पहले हमने समांतर अक्ष प्रमेय को देख लिया। इसमें क्या होता है, देखिएगा, जैसे कोई समतल है तो किसी समतल में दो अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, काटेंगे, उस अक्ष की लंबवत जो अक्ष होगा उसी अक्ष के परितः हम जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे, तो उस जड़त्व आघूर्ण का मान कितना होगा। जैसे यह एक समतल है, अब इस एक्स अक्ष ये जा रहा है और ये वाई अक्ष है। एक्स अक्ष से इसकी दूरी कितनी है, वाई वन। इसका अगर एक छोटा सा हम क्षेत्रफल मान लें वाई वन, और इसके वाई अक्ष से इसके जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है की दूरी कितनी है, एक्स टू, एक्स वन मान लेते हैं। अब इन दोनों अक्षों के कटान बिंदु यह ओ है। अब ओ से हम एक मान लेते हैं कि इसके लंबवत जो जेड वाला अक्ष है क्या है, इसके लंबवत है, यानी कागज़ तल के लंबवत। इसके परितः जो जड़त्व आघूर्ण का मान होगा वह कितना होता है इसको हम जानेंगे। तो हम जानेंगे कि इसका जो मान होता है, जो इन दोनों कटान बिंदुओं से के कटान बिंदु से जो लंबवत अक्ष है इसका मान, इसके परितः जड़त्व आघूर्ण का मान, इन दोनों अक्षों के परितः जो जड़त्व आघूर्ण का मान होता है उनके योग के बराबर होता है। तो लंब अक्ष का प्रमेय हम इसको एक इसका डेरिवेशन करेंगे पहले। तो ये एक समतल है, ठीक है, और इसके एक छोटा सा हम भाग मान लेते हैं ए क्षेत्रफल का, इस्तेमाल ए क्षेत्रफल का, ठीक है। तो माना छोटा सा एक क्षेत्रफल ए है, ठीक है, छोटा सा क्षेत्रफल ए है। अब इस छोटे से क्षेत्रफल का हम क्या करते हैं, एक्स एक्स अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण निकालते हैं। ए वन ए का, ए क्षेत्र ए का है, हम जैसे लिखें क्षेत्र ए का एक्स अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, ठीक है, क्या हो जाएगा, आई एक्स एक्स बराबर, ठीक है, या इसको आई एक्स एक्स हम मान लेते हैं वन मान लेते हैं, ठीक है, कितना हो जाएगा। अब जड़त्व आघूर्ण बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल गुणे बीच की दूरी। तो ए, अब देखिएगा एक्स एक्स से दूरी कितनी है, वाई वन, तो वाई वन का स्क्वायर, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, क्षेत्र ए का वाई एच, वाई एच के परितः क्या जाएगा, जड़त्व आघूर्ण कितना जाएगा, आई वाई वाई वन हम मान ले, सॉरी अगर हम इसी का मान लेते हैं संपूर्ण क्षेत्र का, ठीक है, हम संपूर्ण क्षेत्र का निकाल लेते हैं, संपूर्ण क्षेत्र ए का एक्स अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण निकाल लेते हैं, क्या हो जाता है, आई एक्स एक्स। तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण क्षेत्रफल सिग्मा ए, यानी समेशन ए वाई वन का स्क्वायर। ये क्या है, छोटे से क्षेत्रफल ए का एक्स अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण है, ए वाई वन स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब संपूर्ण क्षेत्र का हम निकाल लेते हैं, तो कैपिटल ए है तो इसका क्षेत्रफल सिग्मा ए बराबर वाई वन का स्क्वायर। तो अब हम क्या करते हैं, इसी प्रकार से हम क्या करें कि अब वाई अक्ष के परितः निकाल लें, क्षेत्र ए का वाई अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, तो आई वाई वाई वन मान लेते हैं। तो ए, अब वाई एच से दूरी क्या है, लंबवत दूरी एक्स वन है, तो एक्स वन का स्क्वायर। तो इसी प्रकार से क्षेत्र ए का वाई अक्ष के परितः कैपिटल ए का संपूर्ण, जो है कि संपूर्ण क्षेत्र का, ठीक है, यहाँ पर लिख दें संपूर्ण क्षेत्र
ए का वाई एच के प्रति जड़त्व आघूर्ण हम मान लेते हैं आई वाई वाई, तो क्या हो जाएगा समेशन ए एक्स वन स्क्वायर, यह हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों को जोड़ देते हैं, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई को, तो आई एक्स एक्स का मान कितना है ए वाई वन स्क्वायर समेशन प्लस समेशन ए एक्स वन का स्क्वायर, यह है ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें सिग्मा ए कामन है दोनों में, तो सिग्मा ए को हम क्या कर लेते हैं कामन लेते हैं वाई वन का स्क्वायर प्लस एक्स वन का स्क्वायर। अब देखिएगा एक्स वन यह है और वाई वन यह है, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाता है जेड वन का स्क्वायर बराबर एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई वन का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं जेड वन सिग्मा ए बराबर जेड वन का स्क्वायर, तो ये जो जेड वन सिग्मा ए इंटू जेड वन है तो जेड अक्ष की परिता क्या हो जाएगा जड़त्व आघूर्ण, तो इस प्रकार से आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई आई जेड जेड, तो इस प्रकार से यह लंब अक्ष का प्रमेय को हम जो है कि प्रूफ कर सकते हैं। तो लंब अक्ष का प्रमेय क्या होता है, इसको हम रटेंगे नहीं समझेंगे कि किसी अक्ष किसी भी समतल का जड़त्व आघूर्ण, लंब अक्ष का प्रमेय क्या होता है किसी क्षेत्र का उस क्षेत्र के ही समतल में दो परस्पर लंब अक्षों के पर जड़त्व आघूर्णों का योग इन दो अक्षों के कटान बिंदु ये कटान बिंदु से होकर जाने वाली तथा क्षेत्र के समतल पर लंब अक्ष पर उस क्षेत्र के जड़त्व आघूर्ण के योग के बराबर होता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी समतल के एक्स अक्ष पर जड़त्व आघूर्ण और वाई अक्ष पर जड़त्व आघूर्णों का योग उसके कटान बिंदु यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु के लंब अक्ष जो होता है उसके इन दोनों का योग जो होता है इसके लंब अक्ष पर जो होता है उसके प्रति जो जड़त्व आघूर्ण होता है इन दोनों के योग के बराबर होता है। तो ये हमें उम्मीद है कि समांतर अक्ष का प्रमेय और लंब अक्ष का प्रमेय समझ में आ गया होगा। अब आइए एक सवाल को हम देख लेते हैं तो और भी क्लियर हो जाएगा, तो इस सवाल को आप ज़रूर देखेंगे। तो जैसे देखिएगा एक सवाल हम ले रहे हैं ठीक है, अगर इस सवाल को आप देख ले रहे हैं तो समांतर अक्ष का प्रमेय और लंब अक्ष का प्रमेय क्लियर हो जाएगा। जैसे हम एक ले रहे हैं आयत ले रहे हैं ठीक, यह एक आयत है। अब हमें इसका ये भुजा चार मान लेते हैं चार सेमी और इसकी ये भुजा दो सेमी मान लेते हैं। अब इसका तो एक तो गुरुत्व केंद्र से जो अक्ष जाएगा यह हो गया एक्स अक्ष ठीक है, और ये जाएगा वाई अक्ष हो गया और ये जाएगा जेड अक्ष हो गया ठीक है। तो अब हम इसकी ये भुजा ए हो गई बी हो गई सी हो गई डी हो गई, हमें क्या करना है कि क्या फाइंड करना, पहले हमें ए बी अक्ष पर ए बी अक्ष पर जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है और हमें आई जेड जेड इस पर मान ज्ञात करना है कि आई जेड जेड पर जड़त्व आघूर्ण कितना होगा। तो पहले हम आइए हम क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी आयताकार भाग अगर कोई है तो उसके केंद्र से जो जाएगी तो उसके प्रति जड़त्व आघूर्ण के लिए फार्मूला है, लेकिन अगर ए बी अक्ष मान लें तो इसके प्रति जड़त्व आघूर्ण कितना होगा इसको हम देखेंगे। तो हम पहले क्या करते हैं कि इसके लिए समांतर अक्ष का प्रमेय क्या होता है, समांतर अक्ष का प्रमेय ठीक क्या होता है आई ए बी बराबर क्या हो जाएगा आई जी जी प्लस ए एच का
स्क्वायर, यही होता है। अब देखिएगा हम क्या करेंगे, ए बी के प्रति हमें जड़त्व आघूर्ण निकालना है, तो अब हम क्या करेंगे कि आई जी जी निकाल लें, ठीक है। तो आई जी जी निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा। अब इस देखिए कौन सा निकालना है हमें, ये इसके समांतर अक्ष का प्रमेय का मतलब है कि ए बी के समांतर पूछ रहा है, तो हम ए बी वाला लेंगे भुजा, इसके जो समांतर होगा। तो ए बी के समांतर वाली भुजा कितनी है, चार है, ये कितना है, चार है ना, ये तो चार लेंगे, क्योंकि क्या होता है आयताकार क्षेत्रफल का जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, बी एच क्यू अपान 12, ये होता है। तो बी कितना हो गया, चार, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं आई जी जी बराबर बी एच क्यू अपान 12 हो गया, ठीक है। तो अब देखिएगा यह कितना हो जाएगा, बी कितना है, चार है, तो चार, एच कितना हो जाएगा, इस अक्ष के लंबवत 2 है। अक्सर कंफ्यूजन होता है कि कैसे हम लगाएंगे, तो पहले समांतर अक्ष का प्रमेय लगाने से पहले हम क्या करेंगे, किस अक्ष पर पूछ रहा है, तो ए बी पूछ रहा है, ए बी एच, तो इसी के लंबवत हम लेंगे भुजा को, और इसी के समांतर वाली भुजा को लेंगे, पहले लिखेंगे फिर इसके लंबवत वाली भुजा का क्यूब करेंगे अपन 12, तो 4 × 3 = 12, तो आई जी जी क्या आ गया यहाँ पर 8/3 मीटर घाते 4, ठीक। अब एरिया इसका कितना है, एरिया देखें अगर, तो एरिया 4 × 2 = 8 सेमी है, तो सेमी क्यूब यहाँ पर सेमी है, सेमी घाते 4 सेमी स्क्वायर हो गया। फिर एच, एच का मतलब ये है कि दोनों अक्षों के बीच की दूरी, तो देखिएगा अब एक अक्ष तो ए बी यहाँ पर है, टोटल कितना है 2 है, तो 2 का आधा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये एच कितना है, 1 आ जाएगा, तो एच बराबर 1। तो अब हम फार्मूले में रख लेंगे समांतर अक्ष के प्रमेय से, तो आई ए बी बराबर आई जी जी का मान कितना है 8/3 प्लस ए का मान कितना है 8, एच का मान कितना है 1 है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 × 3 = 24, 24 × 8 = 32, 32/3 मीटर सेमी के घाते 4, ये हमारा आ गया आई ए बी का मान। अगर देखिएगा अगर यहीं पर ए डी पूछे, ठीक है, अगर आपसे पूछे कि ए डी अक्ष पर, समझ लीजिएगा इसको फिर से कि हम कैसे लगाए हैं, ए बी अक्ष पर पूछ रहा था कि ए बी अक्ष पर जड़त्व आघूर्ण कितना होगा, तो हमने समांतर अक्ष लगाया आई जी जी प्लस ए एच स्क्वायर, तो आई जी जी का मान हमने फार्मूले द्वारा निकाला और ए एच का हमने ऐसे निकाले। अगर पूछे ए डी अक्ष पर, ए डी अक्ष पर जड़त्व आघूर्ण ये पूछे, तब हम कैसे निकालेंगे, तो बस ये तो सेम रहेगा ए एच स्क्वायर, इसमें भी चेंजिंग हो जाएगी, देखिएगा कैसे। तो आई जी जी हम निकालते हैं, आई जी जी, या इसको हम आई वाई वाई के लिख दे रहे हैं, यानी कि वाई वाई अक्ष पर लिखा निकालने, तो आई वाई वाई लिख दे, और इसको हम जो निकाले हैं ये एक्स एक्स पर, तो आई एक्स एक्स लिख दे रहे हैं, तो आसानी होगी, ठीक है, क्योंकि दोनों अक्षों पर जब हम निकाल लें तो ऐसे लिखेंगे। तो अब आई वाई वाई का मान कितना हो जाएगा, देखिए, तो अब यहाँ पर वाई अक्ष पर जब हम निकालेंगे तो वाई एच के समांतर कौन है, 2 है, तो हम 2 को लिखेंगे गुड़े, अब इसके लंबवत क्या है, 4 है, तो 4³/12, तो कितना हो जाएगा, तो 4 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 4 × 16 = 32/3, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 आई वाई वाई सेमी घाते 4, यह हो गया। अब ए का मान तो यही रहेगा, 4 × 8 सेमी स्क्वायर, एच का मान लेकिन बदल जाएगा, अब एच हमें लेना है ये वाला, पूरा कितना है 4 है, तो इसका एच ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि देखिए इससे और इसकी दूरी कितनी है, 2 सेमी दूर है, तो एच बराबर 2 हो जाएगा। अब फार्मूला लगाएंगे आई
ए डी बराबर क्या हो जाएगा, आई जी जी बराबर हमने निकल लिया है 32/3 प्लस क्षेत्रफल गुणे 2 का स्क्वायर। तो इसी को आप सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो आई डी इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आई ए डी का मान लिख करके हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ए डी का मान हम ऐसे निकाल लेंगे। अब हमने समांतर अक्ष का प्रमेय के द्वारा हम दोनों अक्षों पर निकाल सकते हैं इसके मान को। अब लंब अक्ष का प्रमेय अगर हम लगाएं इसी सवाल पर, ठीक है, लिखते चलिएगा आप लोग। लंब अक्ष पर लगाए तो कितना हो जाएगा, देखिएगा लंब अक्ष के लिए यह फार्मूला हम लगाएंगे। तो आई एक्स एक्स पर हमने निकाला था मान कितना आया था, आई एक्स एक्स पर मान निकाला था हमने, फिर से निकाल ले रहे हैं, आई एक्स एक्स बराबर 4/ यानी कि 4 × 2^3/12 हो जाएगा, बराबर 4 × 3 = 12 8/3 × 4 यह हो जाएगा आई एक्स एक्स पर। अब आई वाई वाई पर निकाल लें, आई वाई वाई तो अब देखिए वाई वाई पर क्या हो जाएगा, वाई एच के समांतर पहली भुजा कौन है, यानी कि 2 है तो 2, ठीक है, गुणे 4³ यह हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यह 12। तो यहाँ पर देखिएगा कितना हो जाएगा, तो 2 × 4^16 = 64/12 यह हो जाएगा आई वाई वाई। तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको इसको ऐसे कर दें हम, ठीक है, 16 × 4 कर दें, इसको 2 ही रहने दें, तो 4³ हो जाएगा, ठीक है। 16 × 2 = 32 8/3 प्लस 32/3 इसको हम जोड़ देंगे तो यह कितना आ जाएगा, इसको जब हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आई जेड जेड निकल जाएगा, तो हो जाएगा 40/3 आई जेड जेड। तो इस प्रकार से हम किसी भी सवाल का ऐसे ही लगाएंगे, इस पर आधारित प्रश्नों को हम और देखेंगे। अगर कोई भी यानी समांतर अक्ष के प्रमेय से या लंब अक्ष के प्रमेय से कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट जरूर करेंगे। अगर कोई सवाल नहीं आता है तो आप हम कमेंट बॉक्स में नंबर या हम नंबर दे देंगे, आप उस पर भेज सकते हैं। तो फिर हम ले लेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।